कभी भी आप लोगों का इस प्रकार क्वेश्चन मिले जहां पर आपको दिया रहेगा कि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या आपको समान दी रहेगी, मतलब बराबर है, तब ये ट्रिक आपको लगेगी। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि जो मूलधन के साथ ये संख्या दी गई है इसको लिख लेना है रूट के अंदर, 1/36 हमने लिख लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके गुणे में 100 कर देना है और कुछ नहीं करना। इसका रूट आप निकाल लीजिए तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 6। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5/3। यही आपकी वर्षों की संख्या भी अगर पूछा रहे तो वर्षों की संख्या हो जाएगी, और यही 5/3 आपके ब्याज की दर भी हो जाएगी। तो जो पूछा है वो आंसर आप दे सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सूत्र नहीं लगाना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये सब कोई ट्रिक नहीं लगानी है। यहाँ पर ये एक हमने तरीका बताया कि सबसे पहले जो संख्या दी रही उसको लिख लीजिए रूट में और गुणे 100 कर दीजिए, उसको सॉल्व करके मान निकाल लीजिए। अगर वर्षों की संख्या पूछी है तब भी 5/3 हो जाएगी इतना वर्ष, अगर प्रतिशत पूछा है तब भी 5/3 इसका वार्षिक दर भी निकल जाएगी। यह ट्रिक लेकिन तभी कारगर है जब ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान दी गई हो। इस प्रकार की अन्य ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।